क्यों चिल्लाते हो इतना क्यों? सबसे ज्यादा तो तुमसे शिकायत है हमको, मगर आज मैंने ट्राई किया तो ये आने लगा यार। कल जो टाइम पे हम जिम में थे, आज उस टाइम पे हम जा रहे हैं गोल्ड रूम में। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। क्या चिल्लाते हैं यार ये लोग, नॉन स्टॉप चिल्लाते हैं, जैसे मेरी नींद खुलती है ना इनकी आवाज 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 आवाज। अरे तुम लोग, अरे कभी कभी तुम लोग मुझे इरिटेट करते हो, क्यों चिल्लाते हो इतना क्यों? सबसे ज्यादा तो तुमसे शिकायत है हमको, क्या बताएंगे अब इनको। ये देखो, अरे हरी पत्ती लानी पड़ी। नो मोर तुअर भूसा। अरे वहां का जा रहे तुम लोग, यहाँ चलो। अभी नो मोर तुअर भूसा इसलिए बोल रहा हूँ यार, ये इसमें मिट्टी इट्टी बहुत आती है, भूसा उसका छोड़ देते। ये देखो ना यार, ये देखो मिट्टी इट्टी, ये देखो इसके अंदर कैसी मिट्टी आती है, ये देखो। और ये भूसा चलो ये खा लेते हैं बाद में जानवर, मगर रहती मिट्टी तो रहती है, देखो ऐसे थोड़ी चलेगा। और ये मैडम भी तो नहीं खा रहे ना, देखो ना, ये तो जैसे तुअर भूसा डालता हो वैसा छोड़ ही देते, बस फीड फीड खा लेते अपना। और वैसे भी हम लोग ज्यादा थोड़ी मंगाते हैं तुअर भूसा, कितने टाइम बाद हम लोगों ने मंगाया था, वो फिर मस्ती कर रही है। अरे तुम पिलाओ ना, दूध पिलाओ ना, ढंग से पिलाओ, मेरे को पकड़ के रुकना पड़ेगा तुम्हारे को अभी। ये क्या बात हो गई यार, जमजा मेरे चारे मंगता नहीं है। ये देखो इतने अच्छे से पी रहे, अभी रुकना पड़ेगा इसको पकड़ के। देखो ये ऐसी सारी चीजें होती रहती है। ए, रुको सीधे। वहां पे बेचारे वो लोग भी चिल्ला रहे, देखो गेट खोल के मैं भाग जाने वाला था, नहीं गया। चलो इनका तो हो गया, अब वहां बढ़ते हैं। हाउ आर यू गाइस। ये देखो कैसा आ गया, देखो रैम्बो रैम्बो और क्या नाम था इसका यार, सुखिया, इनके नाम याद नहीं आया यार मुझे। आ जाओ आ जाओ, मस्त लग रहे हो तुम लोग यार। चलो 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 चलो, आई शाबाश, चलो जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आई शाबाश, जाओ। इसको भी पकड़ के रखते हैं यार, पूरा दूध पिलाने के बाद ही छोड़ते हैं। सवेरे का एक इतना बस काम होता है, वो भी ये बच्चे लोग करके, नहीं तो ये काम भी नहीं होएगा। सिर्फ अपना आओ फीड वीड डालो और निकल जाओ, जैसे दोपहर में होता है हम लोग तुअर भूसा डालते निकल जाते, शाम में आते फीड डालते निकल जाते, यही चीज होती है। बाकी सिर्फ जब हम सवेरे उठते तभी इतना ज्यादा काम होता है, नहीं तो इतना काम नहीं होता है। ये काम क्यों नहीं है मालूम है, कितना इतना कम क्यों लगता है, क्योंकि ये सेटअप की वजह से। अगर ये सेटअप ऐसा नहीं होता ना तो हमको काम ही ज्यादा ही लगता। जानवरों के नाम भूल गया हो यार, मैं कल ही भूल गया था। मैं कमेंट बॉक्स में डालोगे तुम लोग, आज देखता होगा फिर मुझे भी याद आ जाएगा क्या नाम रखा था मैंने इन लोगों का। अगर नहीं डाला आप लोगों ने तो वो वीडियो चेक कर लूंगा और शाम तक बता दूंगा। ऐसे जबान पे आ रहे मगर आ नहीं रहे, समझ रहे हो ना मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझ रहे हो ना। चलो रे पी लो जल्दी जल्दी। चलो भाई डन फ्रॉम हियर। अब वो दोनों बदमाश को भी उनकी जगह पे डालते, अब वो जाने ही चाहता था अलग सा, उनको डालते हैं, सप्लीमेंट्स पिलाते हैं, फीड डालते हैं और फिर जाते हैं। वक्त हटो रे, चल डायरेक्ट उधर। अरे मत सताओ रे, मत सताओ रे, जाओ जाओ, चलो शाबाश। तुम आ गई बाहर, अरे जाओ अंदर, अरे जाओ अंदर, अंदर जाओ अंदर, शाबाश। तुम धूम ही ला रही हो क्या, इज इट? भाई मैं चेक करता हूँ, मैं देखा है अब जमजम को बड़ा धूम हिलाते हुए, वो नॉर्मली हिला रही थी या वो
हीट में जब आते हैं वैसे हिला के चेक करना पड़ेगा। देखता हूँ सब, देखता हूँ सप्लीमेंट डालता हूँ फिर जिम निकलते हैं। तो मैं तो मुझे दे रहा हूँ मैं तुमको फीट, नाक दिखाओ नाक दिखाओ। ये बात सुनती है नाक बता तो बोलते बताती है, देखो अभी वैसे बता रही है वेरी गुड सब ठीक है। देखो नाजुआ का कितना पानी निकल रहा था आँख में से, एवरीथिंग इज गुड यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप भाई लोगों की दुआ जो है, और देखो मेन चीज तो क्या होती है, फटाफट से बीमारी को पकड़ ले और उसको इलाज करना शुरू करें। हमने बीमारी को पकड़ लिया और इलाज शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेट। ये लोग अंडा दिए होंगे क्या, नहीं दिए होंगे अभी तक, अंडा तो दे ही देंगे, रोज दो अंडे फिक्स हो गए अभी। सी विद इन 15 मिनट्स वी आर डन फ्रॉम द गोट रूम। इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है कभी कभी, शाम में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि पूरा साफ करना पड़ता है ना। अरे भाई मेरा जो कोर है ना, कोर इतना पेन कर रहा है, और मेरी जो बुंड है, बुंड यानी मैंने पंजाबी में बोल दिया, मेरी जो तशरीफ है वो तशरीफ भी इतनी दर्द कर रही है ना मेरी, मैं आपको क्या बताऊँ। कल रात में मुझे उठने नहीं आ रहा था, जो नॉर्मली अपन ऐसा उठ जाते ना वैसे उठ नहीं आ रहा था, पूरा कोर जो है ना, कोर पूरा पेन कर रहा है, और मेरा जो ग्लूट्स है वो भी पूरा पेन कर रहा है, उसकी से बड़ी दिक्कत हो रही। अब थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं और फिर जिम की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा बहुत ही बढ़िया और तगड़ा वाला वर्कआउट है, वर्कआउट आ चुका है। क्या वर्कआउट है जाते थे बताता हूँ। चलो भाई शुरू करते हैं अपना। आज है हमारा बैक एंड बाइसेप्स, मगर बैक एंड बाइसेप्स शुरू करने के पहले 10 मिनट जो है क्रॉस ट्रेनिंग करनी है। और उंगली टूटने के पहले मैंने डेडलिफ्ट मारा था, और उसके बाद आज मारने मिलेगा मुझे। बीच में मारा था मैंने, मगर वो फुल फ्लेज के साथ नहीं, मगर आज से फुल फ्लेज के साथ चालू करेंगे ना, बैक भी है तो डेडलिफ्ट भी है तो, मगर वो सब करने के पहले क्रॉस ट्रेनिंग। कल मैंने वो स्टिकर शिफ्ट करने बोला था, तूने मशीन ही शिफ्ट कर दिया। अरे बाप रे, बहुत डेंजरस तू। थैंक यू ये वाली मशीन याद थी ना, वो स्टीकर सामने आता, मतलब स्टीकर साइड में आता था, इन्होंने मशीन साइड में हटा दी। डेंजरस सुशील बोल। ए भाई हवा भी एक नंबर आएगी आज, अरे एकदम नेचुरल है, एकदम मस्त हवा आएगी अभी ऐसे। चलो 10 मिनट स्टार्ट कर दो। 10 मिनट क्रॉस ट्रेनिंग खत्म, अभी थोड़ा रेस्ट लेते हैं, 5 मिनट के बाद स्टार्ट कर दिए बैक बाइसेप्स वाला वर्कआउट। ये जैकेट देखा करें आप लोगों ने, पहली बार देखा होगा आप लोगों ने इस जैकेट में मुझे। ये मेरा पहले का जैकेट है जिस जो पहले पहन के मैं वर्कआउट करता था, ये आता नहीं था इसीलिए छोड़ दिया था मैंने, मगर आज मैंने ट्राई किया तो ये आने लगा यार। आने लगा ये, और वो भी एकदम अच्छे से आने लगा। सही है, ऐसे ही सारे पुराने कपड़े आ जाएंगे मुझे। अभी तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते थे और फिर जाते हैं। बैक एंड बाइसेप्स का सबसे पहली शुरुआत हो जाएगी डेडलिफ्ट्स। फर्स्ट डेडलिफ्ट की तैयारी हो रही है भाई, 45 का वेट लगा है, काफ़ी टाइम बाद डेडलिफ्ट कर रहे हैं, काफ़ी टाइम बाद। चलो भाई साहब, इसमें प्लेट्स जो है प्लेट्स बढ़ते जा रही है इसमें।
अभी जो हमारे दो सेट हुए, एक सेट आप लोगों ने देखा, उसके बाद मैंने एक और सेट मारा, और आप लोगों ने जो एक सेट देखा उसमें मैंने शोल्डर प्रेस भी लगा दिया। मेरे 10 रेपिटेशन कंप्लीट होने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझमें एनर्जी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना शोल्डर प्रेस भी मार लिया जाए, तो इसके लिए शोल्डर प्रेस मार दिया मैंने। वैसे मारना नहीं, मैंने मार दिया। चलो फटाफट इसके कंप्लीट करते हैं और 4 सेट बचे हुए फिर दूसरे वर्कआउट में लगते हैं। अब तो वेट बढ़ गया है, 35 यहाँ बढ़ गया, 35 यहाँ बढ़ गया, इसके बाद और वेट बढ़ेगा। चलो भाई बैग भी हो गया, बाइसेप्स भी हो गया, हमारा तौलिया ले लेते हैं, हमारी बॉटल और हमारे एयरपॉड्स का कवर। चलो भाई अभी वर्कआउट खत्म नहीं हुआ, कोर का वर्कआउट करना है। लुकिंग गुड भाई, हमारा माउंटेन क्लाइंबिंग हालत ख़राब हो गई। 200 बार करना था, 100 ईच लेग्स, तो 200 बार होता है। हालत ख़राब हो गई भाई, पूरा वर्कआउट में भी इतनी हालत ख़राब नहीं होती। मैंने बताया ना आखिरी में कंडीशनिंग वाला वर्कआउट देखा, फ्लाट लगा देता है भाई अपना ट्रेनर। मगर कुछ भी बोलो, मज़ा तो आ रहा है, रिजल्ट मिल रहा है बॉडी पे। रील डाल रहा हूँ मैं, देख लो आप लोग इंस्टाग्राम पे, फॉलो करते हो या नहीं इंस्टाग्राम पे? अभी तक नहीं करते तो कर दो भाई, रील डाल रहा हूँ मैं, बढ़िया बढ़िया भाई। आज भी एक रील बनाया, वो भी डाल दूँगा। अभी बस जो है हमारा बचा है, क्या बोलते हैं उसको, भूल गया मैं, प्लैंक्स। 90 सेकेंड्स, मतलब 1.5 मिनट प्लैंक्स बचा है, फिर हम लोग ख़त्म जा सकते हैं। हम लोग ख़त्म मतलब हमारा वर्कआउट ख़त्म, हम जा सकते हैं। 11:47 हो रहा है, 9:45 समथिंग को मैं आया था, 10 बजे के आसपास ही आया था। क्या बारिश हो रही है बॉस, क्या बारिश हो गई है, बाप रे, अचानक शुरू हो गई। माही और आमना को तो ऑटो में ही भेज दिया ट्यूशन के लिए, 3:15 होने आ गए। ये देखो पूरी अंदर तक आवाज़ आ रही है, कब रुकती क्या मालूम अभी बारिश। हाँ बहुत ख़तरनाक बारिश भाई, बहुत ख़तरनाक, अभी तक बंद नहीं हुई है। अरे तुम पूरा भीग गई है, बोले भाई पानी कैसा आ रहा है, इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कैसा बारिश आया हुआ है। बहुत ख़तरनाक, बहुत फास्ट बारिश था। देखो ये पहलवान भी भीग गया यहाँ पे पूरा, भाई साहब पानी की स्पीड तो देखो भाई साहब। ये हम लोग घर में होते ना इसके लिए हमको समझ में नहीं आता, हल्की हो गई बारिश, 4:30 बज रहे और ये बारिश है ना 4:15 तक भी चल रही थी, वही रफ्तार वाली, 15 मिनट हुआ है बस ये इसकी स्पीड जो है वो कम हो गई है। ये अलग चिल्लाते ही रहते। ओ भाई साहब गोटर में ही पानी आया भाई, सामने सामने हो जाओ, नीचे हो जाओ, चलो चलो नीचे हो जाओ। भाई शाबाश, तुम लोग तो ऐसा खड़े रहने लग रहे हैं ना, अच्छा लगता है मेरे को देख के ऐसा तुम लोगों को। गैफा, एक सब्सक्राइबर ने कमेंट कर दिया कि इसका नाम जो है गैफा है, इसका तो पता चल गया। उसका क्या है ब्रिटिश का, उसका बताओ 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 भाई। चलो यार की साफ सफाई करता हूँ फटाफट और तैयारी करता हूँ एक्शन वाली दुनिया में जाने की, और ये ब्लॉग को यही तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। स्टे सेफ, पीस, हस्ता ला विस्ता, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड गुड बाय। मंसूर भाई से बात कर रहा था मैं, मंसूर भाई को पूछ रहा था वहाँ बारिश तो नहीं हो रही, अगर बारिश हुई वहाँ पे तो मंडे का प्लान जो है आगे पीछे हो जाएगा, मगर मंडे तो जाएंगे ही जाएंगे अपन, बारिश नहीं आएगी वहाँ पे, नहीं आ रही है, मंसूर भाई ने बताया। कांट यू वेट फॉर फ्यू मिनट्स, आई एम गिविंग यू द फूड। तुम्हारा तो एक अलग ही चल रहा है यार। चलो भाई अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड गुड बाय वंस अगेन, बाय 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 बाय। Just this moment, so turn out the light.